भारत के वैज्ञानिक, भारत के कलाकार, भारत के शिल्पकार, भारत के मजदूरों ने मिलकर तैयार कर दी सनातन की सबसे दिव्य और भव्य प्रतीक। हम जीत गए और सारे सनातन भाइयों का जो संघर्ष है वो सामने देखिए, कितना बड़ा रिजल्ट हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। 500 सालों का संघर्ष, जिस मिट्टी में जन्मे रामलला उसी मिट्टी पर तैयार हो गया भव्य और दिव्य राम मंदिर, और ये हमारे जीत के रूप में एक विशाल प्रतीक इस वक्त सामने खड़ा है। जिस मिट्टी में जन्मे रामलला उसी मिट्टी पर तैयार हो गया भव्य और दिव्य राम मंदिर। इस पल को देखकर हम सामने से इस वक्त भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। जिस मिट्टी में जन्मे रामलला उसी मिट्टी पर तैयार हो गया भव्य और दिव्य राम मंदिर। ये 20 एकड़ का जो पूरा एरिया, ये साक्षी है भगवान राम की जन्मभूमि के बदलते स्वरूप का। कितना बना, कितना बाकी है, सामने से कैसा दिखता है राम मंदिर। ये 3,500 मजदूर, ये पुलिस, ये सिस्टम, ये प्रशासन गवाह है इस बात का कि इस जगह पर भगवान राम जन्मे थे। क्यों 1,000 साल तक न भूकंप हिला पाएगा, न हवा उड़ा पाएगी, न तूफान डिगा पाएगा, न आग जला पाएगी, और आज ये जगह एक वैभव के रूप में स्थापित होने जा रहा है। पहली बार किसी डिजिटल न्यूज चैनल का कैमरा पहुंचा प्रभु श्री राम के मंदिर तक। 70 एकड़ का नजारा देखकर दंग रह गए थे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस विशाल भवन का और रामलला के गर्भगृह का उद्घाटन करेंगे, जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, एक एक कोने में भगवान राम की भव्य झलक दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे त्रेता साक्षात धरती पर उतर आया हो। यकीन मानिए, ये सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत शहादत झेली है, बहुत कुर्बानियां झेली। सरयू किनारे तो सस्ते आपने बहुत देखा होगा, लेकिन त्रिपाल से महल में विराजते रामलला को पहली बार आज अपने मोबाइल फोन पर देखेंगे। हम जीत गए और सारे सनातन भाइयों का जो संघर्ष है वो सामने देखिए, कितना बड़ा रिजल्ट हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। 500 सालों का संघर्ष, और ये हमारे जीत के रूप में एक विशाल प्रतीक इस वक्त सामने खड़ा है। और जो आवाज इस वक्त आप सुन रहे हैं जय श्री राम के नारे, ये नारे पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त गूंज रहे हैं, और इन्हीं नारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक सनातनी भाई कितना गर्व महसूस कर रहा है। इस पल को देखकर हम सामने से इस वक्त भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। ये 20 एकड़ का जो पूरा एरिया, ये साक्षी है भगवान राम की जन्मभूमि के बदलते स्वरूप का। ये हजारों लोग, ये 3,500 मजदूर, ये पुलिस, ये सिस्टम, ये प्रशासन गवाह है इस बात का कि इस जगह पर भगवान राम जन्मे थे, और आज ये जगह एक वैभव के रूप में स्थापित होने जा रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस विशाल भवन का और रामलला के गर्भगृह का उद्घाटन करेंगे, जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो यकीन मानिए ये सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत शहादत झेली है, बहुत कुर्बानियां झेली है, और इन कुर्बानियों की वजह से आज हमारे जीत का, हमारे वैभव का प्रतीक इतने विशाल रूप में हमारे सामने खड़ा हो रहा है। अब जरा इसकी कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। ये जो मंदिर है, करीब इसके 3 मंजिल बनाए गए हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक अलग अलग जगहों से सामानों को लाकर लगाया गया, जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो चारों दिशाओं का मिलन है। ये जो मजदूर आप सामने देख रहे हैं ना, ये चारों दिशाओं से अलग अलग स्टेट से आए हैं, करीब 28 राज्यों से आए हैं यहाँ पर। कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई त्रिपुरा से है, कोई अरुणाचल प्रदेश से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई केरल से है। जो यह नक्काशी देख रहे हैं आप परकोटे पर, ये हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी की है। जो आप ये जो यहाँ पर मकराना मार्बल्स देख रहे हैं, जो ये सीढ़ियां बनाई गई है मकराना मार्बल की, ये राजस्थान से मंगाई गई है। IIT मद्रास चेन्नई के यहाँ पर वैज्ञानिक आए, लार्सन टोब्रो के सारे साइंटिस्ट आए, और जो यहाँ के आप इसकी जो नींव देख रहे हैं ना, इसमें कोई खास मिट्टी, इसमें अलग, ये जो नॉर्मल मिट्टी आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस मिट्टी को भी बहुत विशेष तरीके से मंगाया गया है, और तब जाकर इतना विशाल भव्य स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और आज हम गर्व के साथ, कम से कम मैं तो कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी सनातन भाइयों ने अपनी शहादत दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी, आज उनकी कुर्बानी कामयाब हो गई।